पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे भाई अजय बिंद्र ओली की तरफ से सारे भाई राम राम। और आज पहुंच गए हैं भाई हमें एरवा गांव तहसील रतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में। भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है चाहे कोई एक बैस रखता हो, कोई भी पशुपालक भाई है उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने की। तो आज भाई छोटा बच्चा है गुरकिरत सिंह, आज जानकारी देगा अपने पशुओं के बारे में। आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भैंस रखी जाती हैं उनकी आपको जानकारी देंगे। मेरे चैनल पर बार बार स्वागत है भाई गुरकिरत सिंह का। सत श्री अकाल सारयां नूं, मेरा नाम गुरकिरत सिंह, मेरी उम्र 13 साल है जी। अच्छा जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेवंथ। सेवंथ में, क्या एम है अपना लाइफ का? हमारा एम है जी फॉरेन कंट्री में जाना। फॉरेन कंट्री में जाना, लेकिन फिलहाल अपना पशुपालन के माध्यम में पूरा ध्यान लगा के और पशुओं की सेवा कर रहा है भाई। कितने पशु हैं गुरकिरत सिंह अपने पास? हमारे पास 10-12। 10-12 पशु हैं। आपको ये शौक जो अपना पशुपालन का कब से लग गया? हमें ये तो 7-8 साल में। 7-8 साल की उम्र से ही लग गया था। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा फार्मर। अच्छा, पापा जी फार्मर हैं, तो फिर खेती का भी शौक होगा आपको पूरा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब अपने पास जो जो पशु हैं उनकी जानकारी आप दे सकते हो? हाँ जी। तो हर एक पशु के बारे में बताओ भाई गुरकिरत सिंह। और देखिए भाई, फॉरेन कंट्री का भाई का जो एम है, हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आगे आने वाले समय में पूरी कामयाबी हासिल करे। आज अपने पशुओं की जानकारी देगा, बहुत ही कम उम्र में अपना पूरा सहयोग देता अपने परिवार को गुरकिरत सिंह। तो गुरकिरत सिंह भाई, ये जो अपनी भैंस है इसकी जानकारी दें आप हमारे दर्शकों को। जी ये चौथे सुए है जी। अच्छा जी। और ये बहुत अच्छी है और इसने पिछले सुए 12 लीटर दूध किया था और इस सुए 14 लीटर दूध कर चुकी है। अब कितने दिन की ब्याई है ये? 20 दिन। 20 दिन। तो नीचे क्या है इसके फिलहाल? कटुआ। अच्छा जी। नीचे भाई मेल काफ है। और ये अपनी घर की ब्रीड है गुरकिरत भाई? हाँ जी, घर की ब्रीड। अब अगर कोई भाई इसको खरीदना चाहे तो क्या कुछ कीमत रखी है इसकी आपने, या नहीं बेचोगे? बेचोगे या नहीं बेचोगे? नहीं बेचेंगे जी। नहीं बेचोगे जी। और अच्छे पशु तैयार करने में आपको कितना अच्छा लगता है गुरकिरत भाई? बहुत अच्छा लगता है। कितना समय देते हो आप? 2 घंटे। 2 घंटे डेली देते हो। और पढ़ाई में? पढ़ाई में भी घंटे 2 घंटे। पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका एम जो बहुत बड़ा है फॉरेन कंट्री का है, आईलेट्स क्लियर करना होगा। तो भाई और भी अपने पास पशु हैं जो उनकी जानकारी दें, जो अच्छे अच्छे पशु रखे हैं भाई। देखिए गुरकिरत भाई, तो भाई जी ये सामने जो कट्टी है इसकी उम्र कितनी है? 1.5 साल है। इसकी माँ है वो भी अपने पास में ही है? हाँ। अच्छा, इसकी माँ ने कितना दूध दिया है? 18 किलो। 18 किलो दिया है। कहीं पे नवास में लगाई थी, रिकॉर्ड करवाया था? नहीं कराया। अच्छा जी। और ये जो इससे अगले वाली है इसकी कितनी उम्र है? 2 साल। 2 साल उम्र है जी। बहुत अच्छे शुरुआत है भाई, अच्छे अच्छे पशु रखने का शौक है भाइयों का। मेरा नाम मनदीप, गांव सिसमोर, जिला कैथल। मैं अपने पशुओं को लगातार न्यूट्री डाइट का मिनरल मिक्सर खिलाता हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं। पशु स्वस्थ रहते हैं और दूध में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन बढ़ोतरी होती है दूध की, जिससे पशु खुश होकर खाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप सभी से अपील है एक बार जरूर अपने पशुओं में ये न्यूट्री डाइट का मिनरल मिक्सर जरूर प्रयोग करके देखें। और ये देखिए भाई, अगली जो भैंस है सींगों की बनावट, गुआने की जलेबी मशहूर है, बहुत बड़ी जलेबी, उसी तरिया के सींग है उतने बड़े, इसके बारे में जानकारी दें भाई जी। 4th ब्यांत में है ये। अच्छा जी। हाँ जी। ये अपनी घर की ब्रीड है? हाँ, घर की ब्रीड है। तो इसने जो अपना 3rd ब्यांत में कितना दूध दिया है? 14 किलो। 14 किलो। हाँ। दिया। अब कितने दिन की ब्याई होगी ये? अब 5-6 महीने की ब्याई होगी। 5-6 महीने की ब्याई होगी। फोर्थ लैक्टेशन में कितना दूध दिया इसने? 16 किलो दिया है। 16 किलो दूध दिया है। बहुत बढ़िया भाई जी। अगली जो जोटी है उसकी जानकारी और दे। 1st ब्यांत में है वो। उसने 12 किलो दूध दिया 1st ब्यांत में। 1st ब्यांत में कितने दिन की ब्याई होगी? वो भी होगी 3-4 महीने की ब्याई होगी। 3-4। और काफ क्या है नीचे? काफ कटड़ी थी, मरगी। अच्छा जी, कटड़ी मरगी है। और अपना सेल परचेज का काम है या दूध का काम है? दूध का ही काम है। अच्छा जी, दूध का काम। तो यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट है दूध का? दूध का 40-45, 40-45, 50। अच्छा जी, 40-45, 50 का। हाँ। रेट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो भाई फीड में क्या कुछ देते हो अपने पशुओं को? फीड में दलिया। अच्छा। बनौले की खल। अच्छा जी। सरसों का तेल, गुड़।
सारा नेचुरल डाइट देते हो तकरीबन। बहुत बढ़िया।